नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और मैं नई दिल्ली से बिलोंग करता हूं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है वाइट कॉलर कैबी। दोस्तों, एक पर्सन, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, जब भी कैब की बुकिंग करता है तो उसकी इंटेंशन यही होती है कि उसकी राइड बहुत ही कम्फर्टेबल और सेफ रहे। अनफॉर्चुनेटली कभी कभार उस कस्टमर को अनवांटेड सिचुएशन का भी सामना करना पड़ जाता है अपने राइड के दौरान, और वह सिनेरियो में तो उसे अपनी सेफ्टी को लेकर भी खतरा महसूस होता है। ये प्रॉब्लम तब और ज्यादा मल्टीप्लाई और इम्पोर्टेंट बन जाती है जब एक फीमेल कस्टमर जो कि अकेले कैब में सफर कर रही हो उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज कंज्यूमर सेफ्टी, खास तौर पर वुमन सेफ्टी को लेके। मैं उन छोटी छोटी चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा जिन्हें फॉलो करके हमारी माताएं और बहनें अपने आप को सेफ रख सकती हैं जब वो अकेले कैब में सफर कर रही हों। अगर हमारी फीमेल सेफ हैं तो हमारी सोसाइटी सेफ है, और अगर हमारी सोसाइटी सेफ है तो हम लोग दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, यत्र पूज्यन्ति नारी रमन्ते तत्र देवता। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस किसी भी तरीके से ड्राइविंग प्रोफेशन और ड्राइवर्स इनके बारे में कोई भी नेगेटिव पिक्चर बताना या फिर बनाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो खुद एक प्राउड ड्राइवर हूँ। फ्रेंड्स, कुछ बातों का ध्यान तो आपको कैब में बैठने से पहले रखना है और कुछ का ध्यान अपनी राइड के दौरान रखना है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। नंबर वन, ऑलवेज चेक द डिटेल्स। फ्रेंड्स, आप जब भी ओला, उबर या फिर और किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू कैब की बुकिंग करते हैं और वो कैब आपके पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाती है, तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि आपके एप्लीकेशन में दिखाई देने वाली गाड़ी की डिटेल्स, गाड़ी का नंबर और एक्चुअल में गाड़ी का नंबर वो सेम हो। आपको इंश्योर करना है कि लास्ट के चार डिजिट्स ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा गाड़ी का नंबर सेम ही हो। इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन में दिखने वाली ड्राइवर की प्रोफाइल पिक मैच होनी चाहिए एग्जैक्टली उस ड्राइवर से जो कि आपको पिक करने के लिए आया है। अगर इन दोनों में से किसी एक में भी हल्का सा भी वेरिएशन आप फील करते हैं तो बेझिझक इमीडिएटली आप उस राइड को कैंसिल करके दूसरी कैब बुक कर लीजिए। नंबर टू, चेक चाइल्ड लॉक। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपने माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है। कैब में बैठने से पहले जब भी आप दरवाजा खोलते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि उसका चाइल्ड लॉक डीएक्टिवेटेड या फिर ऑन ऑफ पोजीशन में हो। फ्रेंड्स, ये हम सबको पता है कि जब भी एक गाड़ी का चाइल्ड लॉक ऑन पोजीशन में होता है तो उस गाड़ी के दरवाजे अंदर से बिल्कुल भी नहीं खुलते, हमेशा बाहर से ही खोलने पड़ते हैं। अगर आपने चेक कर लिया कि उसके जो चाइल्ड लॉक है वो ऑफ है या फिर डीएक्टिवेटेड है, तो गॉड फॉरबिड अगर आप अपने आप को अनफेवरेबल सिचुएशन में पाते हैं तो इमीडिएटली आप कैब का दरवाजा खोल के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप बाहर निकल सकते हैं। नंबर थ्री, हमेशा ड्राइवर के पीछे बैठिए। दोस्तों, ऐसा करने से आप खुद तो सेफ होंगे ही, ड्राइवर भी सेफ होगा। आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप पिछली सीट के बीच में या फिर बिल्कुल उस साइड बैठे हुए हैं तो ड्राइवर जब भी ड्राइव करता है उसे ट्रैफिक को देखने के लिए, जज करने के लिए इनर व्यू मिरर में बार बार देखना पड़ता है, और जब वो ऐसा करता है और आप बीच में बैठे हुए हैं या फिर उस साइड बैठे हुए हैं तो ना चाहते हुए भी आई कॉन्टेक्ट आपके साथ मेंटेन हो जाता है। इस सिचुएशन में ड्राइवर खुद भी असहाय फील करता है और आप भी फील करते हैं, तो बेटर यही है इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप जस्ट उसके पीछे बैठिए ताकि ये सिचुएशन ओरिजिनेट ही ना हो। उसके बाद है शेयर योर कैब डिटेल्स एंड लाइव लोकेशन। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ्टी को लेके। आप जब भी कैब में बैठें तो आप कैब की डिटेल्स और अपनी लाइव लोकेशन किसी एक इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसा आप ओला, उबर जैसी एप्लीकेशंस में एक इनबिल्ट फंक्शन भी होता है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, और आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि आप उस पर्सन के साथ ही
ये वाली डिटेल्स शेयर कीजिए जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा है, जिसके ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। यू हैव द कॉन्फिडेंस दैट दिस पर्सन विल हेल्प मी आउट इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन विदाउट एनी डिले। इसके अलावा राइड के दौरान अगर ड्राइवर गूगल मैप को फॉलो नहीं करता या फिर किसी शॉर्टकट या फिर आपको बिना बताए और किसी रास्ते पे चलता है तो आप इमीडिएटली उसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ छोटी छोटी सी लेकिन बड़ी इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसको आपको ध्यान में रखना है हमेशा, खासकर फीमेल पैसेंजर्स को जब वो कैब में बैठे हुए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, खासकर फीमेल्स के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे। थैंक यू।